दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज अगले चार ज्योतिर्लिंग की कहानी जानते हैं, जो कि केदारनाथ, भीमा शंकर, काशी विश्वनाथ और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारी वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे रोचक कथाएं लेके आ सके। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड में समुद्र तल से 3500 मीटर से ऊपर स्थित यह मंदिर भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा है। यह गढ़वाल हिमालय में मूल मंदाकिनी और पौराणिक सरस्वती नदी के सिरे पर स्थित है। केदारनाथ का पहला संदर्भ स्कंद पुराण में मिलता है, जो लगभग 7वीं और 8वीं सदी में लिखा गया था। वर्तमान में जो आप मंदिर देखते हैं, माना जाता है कि इसे लगभग 1200 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य द्वारा निर्माणित किया गया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों को शुद्ध करने के लिए तपस्या करने लगे। इसके लिए उन्हें भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करने की सलाह दी गई। उन्होंने कई जगह खोज की और आखिरकार पांडव भाइयों ने जहां ज्योतिर्लिंग का स्थान है, वहां भगवान शिव को देखा। कहा जाता है कि भगवान शिव पांडवों को उनके धोखों और पाप को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने खुद को उनसे छिपा दिया। वे नंदी के रूप में प्रकट हो गए और धरती में गायब हो गए। दूसरे पांडव भीमसेना ने उन्हें धरती से बाहर निकालने के लिए उनकी पूंछ और उनके शरीर को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि भगवान शिव ने अपने आप को और गहरे छिपा देने का निर्णय लिया और अंततः विभाजित रूप में अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उबड़, तुंगनाथ में वाहें, मध्यमेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल और सिर। पांडवों ने इन पांच स्थानों पर मंदिर बनवाए, पंच केदार शिव की पूजा के लिए। इससे उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने यह भी निश्चय लिया कि वह एक त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित होंगे, इसलिए केदारनाथ भक्तों द्वारा इतना प्रसिद्ध और पूजनीय है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र में सायत्री पर्वत के घाट क्षेत्र में भोरगिरी नामक गांव पर स्थित है, जो कि पुणे से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़े विभिन्न पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से कुछ दो कथाएं इस प्रकार हैं। पहली कथा के अनुसार एक राक्षस नामक त्रिपुरासुर ने भीमा शंकर जंगल में तपस्या की थी, ताकि वह भगवान शिव को प्रसन्न करे और अमृतत्व का वरदान प्राप्त करे। भगवान शिव उसके भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अमृतत्व का वरदान उसको दे दिया, परंतु शर्त यह थी कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग स्थानीय लोगों की मदद करने के लिए करें। त्रिपुरासुर ने इस शक्ति को स्वीकार कर लिया। हालांकि समय बीतते ही उन्हें अपने वादों को भूल जाने का अनुभव हुआ और वे मानवों और दानवों को परेशान करने लगे। देवतागण ने भगवान शिव से चारों ओर चल रहे हाहाकार को रोकने के लिए विनती की। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अर्धनारी नटेश्वर के रूप में त्रिपुरासुर को पराजित किया और शांति की स्थापना की। दूसरी कथा के अनुसार सह्याद्री पर्वत पर डाकिनी जंगल में रहने वाला एक राक्षस नामक भीम और उसकी माँ करकटनी थी। वास्तव में वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के पुत्र थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने उनके पिता को राम के रूप में मार दिया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने प्रतिशोध लेने का संकल्प किया और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें अद्भुत शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिसका उपयोग वे दुनिया को आतंकित करने के लिए इस्तेमाल में लाए। वे भगवान शिव के भक्त कमरूपेश्वर को कैद कर लिए और उनसे शिव की पूजा करने की मांग की। कमरूपेश्वर ने भगवान शिव की पूजा करने से इनकार किया, तो भीमा ने अपनी तलवार उठाकर शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की। इस बीच भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भस्म कर दिया। भगवान शिव का रूप जो वहां प्रकट हुआ, वही स्थान माना जाता है जहां शिवलिंग का स्थान है। काशी विश्वनाथ। यह वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है।
ऋग्वेद के अनुसार काशी को मोक्ष नगरी भी कहा गया है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने वाराणसी में निवास किया था। अपनी पत्नी देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने राक्षस निकुंभ से विनती की कि वे काशी में उनके परिवार के लिए एक उपयुक्त स्थान बना दें। माता पार्वती इस निवास स्थान से बहुत प्रसन्न हुई और सभी को वह वहां भोजन भी उपलब्ध कराने लगी। इसलिए उन्हें अन्नपूर्णा या अन्नपूर्णेश्वरी के रूप में भी पूजा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक नामक स्थान पर स्थित है, जो कि नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। गोदावरी नदी त्र्यंबक के नजदीक ही उत्पन्न होती है। इस मंदिर के चारों ओर तीन पहाड़ हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी। कहा जाता है कि गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पहाड़ों पर रहते थे। जब देश के अन्य स्थानों पर भुखमरी थी, ऋषि के आश्रम में भोजन की अधिक सामग्री थी। इसका कारण था कि देवताओं ने उन्हें उनकी निष्ठा भक्ति और नियमित प्रार्थनाओं के कारण आशीर्वाद दिया था। दूसरे ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने एक गाय को उनके खेत में छोड़ दिया। जब गौतम ऋषि ने गाय को खेत से भगाने की कोशिश की तो वह उनसे मर गई। गाय की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की पूजा करके गंगा नदी को प्रकट करने और उन्हें अपने आश्रम में बहने के लिए प्रार्थना करी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा नदी को प्रस्तुत किया और उन्हें बताया कि वह वहां ठहरे। वर्तमान में मौजूद पवित्र तालाब गोदावरी का सोत्र है। यहाँ लोग गोदावरी को गंगा के रूप में पूजते हैं। ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भी इस स्थान को अपना आवास बनाएं। तब भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हुए। सभी ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की आराधना की जाती है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई हो। हर हर महादेव।